आज मैं शर्ट का कटिंग का तरीका बताने जा रहा हूँ। शर्ट का कटिंग कैसे करेंगे और इसमें अगर तीन चार साइज लेके हम शर्ट कटिंग कर सकते हैं, शर्ट का लंबाई और कमर के हिसाब से। और कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट करके बोले थे कि आर्मोल के साइज कैसे लेते, आर्मोल के हिसाब क्या हिसाब से कटिंग करते। आज मैं इस वीडियो में वही बताता हूँ। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पैसा कुछ भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। ठीक है, हम शुरू करें। ये देखिए लंबाई तो हम बता देते हैं, 28.5 इंच लंबाई है, 43 इंची चेस्ट है और 42 इंची कमर है, 43 इंची हिप है और 17.5 कंधी है, 25 इंची लंबाई है, 16.5 कॉलर है, 9.5 कॉफ है। हम इसमें चेस्ट में 5 इंची लूजिंग लिए हैं और बेस्ट में 5 इंची लूजिंग लिए हैं, हिप में 1 इंची लूजिंग लिए हैं, क्योंकि नाप लेते समय मैं लूजिंग ले लेता हूँ। ये बड़ा पन्ने का कपड़ा है। सबसे पहले हमें सीधा एक मार्क ले लेंगे, यहाँ पे मार्जिन देंगे, 1 इंच रहेगा मार्जिन। यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेंगे काज पट्टी के लिए। हम इसको सीधा कर लेंगे। शर्ट का लेंथ है 28.5 इंच, हम 29 इंच पे कट करेंगे, इसी के अंदर मार्जिन भी रहेगा। 2.5 इंच देंगे, इसका शोल्डर 2.5 इंच गिराएंगे। ये देखिए ये हमारा आर्मोल चेस्ट है 43 इंच, 43 का चौथा हिस्सा आता है 11.5 इंच, 11.5 इंच आता है, इसमें हम 5 इंच लगाएंगे, 11.5 इंच हमारा फ्रंट हुआ। आप ये गौर से सुन लीजिए, 11.5 इंच फ्रंट हुआ, चौथा हिस्सा 43 इंच का चौथा हिस्सा 11.5 ही आता है, 11.5 फ्रंट हुआ, इसमें 5 इंच हम मिलाएंगे, 11.5 इंच यानी 16 इंच आता है, 16 इंच हम आर्मोल देंगे, इसमें 5 इंच मिलाएंगे तो 16 इंच आता है, 16 इंच आर्मोल देंगे हम, 16 का आधा हिस्सा 8 इंच आता है, 8 इंच पे मार्क लगा लेंगे, 16.5 कमर का मार्क लगाएंगे। अब सीधा ले लेंगे, सीधा मार्क ले लेंगे हम, यहाँ से भी हम सीधा ले लेंगे। और यहाँ पे 3 इंच देंगे कॉलर का, कंधे है 17.5, तो 17.5 का यहाँ दे देंगे, 1/2 इंच मार्जिन दे देंगे। ये हमारा यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा 11.5 आता है 43 इंच का चौथा हिस्सा, तो 11.5 1/2 इंच इसमें ज़्यादा लेंगे कि काज में 1/2 इंच मेकअप हो जाएगा, यानी 11.25 पे कट करेंगे। 42 इंची कमर है, 42 का चौथा हिस्सा आता है 10.5, तो हम 1/2 इंच इसमें बढ़ा लेंगे, 11 इंच आ रही है, 43 इंच है, जितना चेस्ट है उतना नीचे भी रहेगा, तो 11.25 रहेगी। यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे, 1/2 इंच, और ये जो आर्मोल है
ये फ्रंट से हमने 5 इंची लेके हमने 16 इंची पे मार्क लगाया, तो 6 इंच भी ले सकते हैं जिसका ज़्यादा आर्ट मूल लेता है, 6 इंच 5.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हम पहले इसको सीधा, हमने जो मार्क लगाया कंधे का, इसको सीधा ये मार्क में मिला लेंगे। अब ये वाला मार्क, ये वाला मार्क में मिला लेंगे। उसके बाद इसका तरीका बहुत सा है, शर्ट काटने का तरीका बहुत सा है, लेकिन मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि लोग देखे तो समझे। पहले इस हिसाब से अगर सीख जाए तो काम करते करते उन्हें खुद व खुद नॉलेज हो जाती है। तो 1/4 इंच इधर देंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे, ताकि आर्मोल में यहाँ पे रिंकल आते हैं। रेडीमेड आप शर्ट देखते होंगे कि रिंकल आती है यहाँ पे, तो ये रिंकल नहीं आएगी। 1 इंच ही अंदर ले लिए। अब ये यहाँ से यहाँ हम सेप देंगे। अब यहाँ से हल्का क्रॉस कर लेंगे ये साइड से। कॉलर है 16.5 कॉलर है। यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेंगे, 4.5 इंची पैकेट रहेगा हमारा। यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे पैकेट के लिए। अब यहाँ पे गोलाई कर लेंगे कटिंग के लिए। अब इसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करेंगे। ये बड़ा पन्ना है, इसकी वजह से दोनों पल्ला एक ही अरज में आ जाएगी। पौन इंच यहाँ पे छोड़ लेंगे, आधा इंच भी छोड़ सकते हैं, 1/4 इंच भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम 1/4 इंच छोड़ेंगे। देखिए हम यहाँ से सीधा ले लेंगे, क्योंकि आज मैं कटिंग बताऊंगा कि ये तीरा अलग से हम कट करेंगे। तो ये हमारा बैक का बीच जॉइंट है, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे। 17.5 इंच है कंधी, तो 17.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, थोड़ा सा बढ़ के लगा लेंगे 1/4 इंच। हम यहाँ से सीधा मार्क ले लेंगे, 1/4 इंच क्रॉस करेंगे। अब इसको थोड़ा डाउन कर लेंगे, राउंड कर लेंगे। ये हमारा ये कंधे का मार्क है, हम ये मार्क से थोड़ा ऊपर उठाएंगे 1/2 इंच। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमारा बैक, ये फ्रंट हो गया, बैक हो गया, नीचे का हिस्सा बैक है, तो हम एक फ्रंट का पल्ला थोड़ा उठा के 1/2 इंच कम रहेगा नीचे का हिस्सा। अब इसके हिसाब से हम
आस्तीन कट करेंगे। यहाँ पे मार्क ले लेंगे। अभी इसी के हिसाब से हम आस्तीन का लेंथ लेंगे। 25 इंची लेंथ है हमारा आस्तीन का, तो 25 का आधा आता है 12.5 इंच। यहाँ पे 25 इंच, यहाँ से 1.5 इंच कम कर लेंगे, ये हमारा कॉफ मिल जाएगा। 9.5 इंच हमारा कॉफ है, 6.25 रखेंगे। और ये क्योनी 13 इंच है, हम यहाँ पे 13 इंच रखेंगे। आर्मोर तो 16 इंच है, तो यहाँ से हम एक नाप ले लेंगे 4 इंच। 4 इंच के सामने 16 इंच का मार्क लगाएंगे। अब इसमें थोड़ा मार्जिन देंगे कटिंग के लिए, यहाँ पे थोड़ा मार्जिन देंगे कटिंग के लिए, ये फिक्स है हमारा। ये देखिए स्केल परफेक्ट आ गया। अब यहां से लेंगे हम ऐसे गुलाई कर लेंगे। एक अंदाज से 0.5 इंच 1 इंच निकाल सकते हैं। एक अंदाज से हम इसको भी मार्क लगा सकते हैं। हमें हमेशा काम करने का ये आदत है, इसके वजह से मुझे अंदाज बना है कि कितना पे हमें देना चाहिए। और आप कभी भी पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप बहुत हिसाब से, ये यहाँ से 4 इंच रहेगा और यहाँ 5 इंच रहेगा, कट कर देंगे गल्फी पट्टी। अब हम शोल्डर काटेंगे, तीरा काटेंगे। सबसे पहले देख लेंगे 17.5 इंच हमारा शोल्डर है, तो ये आ जा रही है। तो 17.5 इंच शोल्डर है ना, तो उसका आधा हिस्सा 9.25 इंच आ रहा है, हम 9 इंच पे कट करेंगे। अब यहाँ से एक सीधा मार्क ले लेंगे, 6.5 इंच पे मार्क सीधा ले लेंगे। अब यहाँ से हम 4 इंच देंगे, यहाँ से 6.5 इंच, 3 इंच यहाँ से देंगे और ये मार्क में मिला लेंगे। अब 2.25 इंच यहाँ देंगे। इसको कट कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर हो गई। बस आज के लिए बस इतना ही। कोई भी सवाल है कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कैसा भी सवाल हो कोई भी। अगर कटिंग करते समय भी मिस्टेक हो गई या गलत हो गए तो मैं उसको सुधार कर सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए।